फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? देखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन नज़र आ रही है, जिसमें 2 मोल हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 2 मोल हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिए हैं, और इनको हम रिएक्ट कराकर 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, कि इस 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल में ये जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे, यानी 2 मोल H2 मॉलिक्यूल, ये यूज में आ चुके हैं, लेकिन इस वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो 2 1 2 2 ऑक्सीजन ही यूज़ हो रहा है, यानी कि 1 मोल यूज़ हो रहा है। और हमने लिए कितने थे यहाँ पर? 2 मोल लिए थे। देखिए, 2 2 जब 4, यानी कि 2 मोल हमने लिए थे। तो इस केमिकल रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये एक्सेस क्वांटिटी में है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट। इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये लेजर अमाउंट में है, यानी इसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। तो क्या होगा कि जब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिएक्शन होगी इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जल्दी से स्पेंड हो जाएंगे, जल्दी से क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिमेंस रहेगी, यानी कि लेफ्ट रहेगी, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जब इस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बच गई और हाइड्रोजन की क्वांटिटी जल्दी से क्या हो गई? स्पेंड हो गई। इसके बाद अब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ही नहीं। भले ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां कितने भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, मगर हाइड्रोजन तो जल्दी से स्पेंड हो गए, जल्दी से क्या हो गए? खत्म हो गए। तो अब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेजर अमाउंट में था, इसीलिए हम इसको कहेंगे लेजर रिएक्टेंट। और यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में था, इसलिए इसकी क्वांटिटी क्या हो गई? बच गई, यानी कि इसकी क्वांटिटी क्या? रिमेंस रह गई, ठीक है। और ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, भले ही यहाँ पर कितने भी ऑक्सीजन बचे हुए रहे या पड़े हुए रहे, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है अनबैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है द रिएक्टेंट विच इज इन लेजर अमाउंट देन अदर रिएक्टेंट कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन एंड लिमिट्स द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि आपने क्या देखा, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी है वो कम है, इसलिए हम इसको कहेंगे लेजर रिएक्टेंट। और इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। जब इसकी रिएक्शन होगी तो 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं ये स्पेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसने वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को, किसने? हाइड्रोजन ने वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को लिमिट कर दिया कि अब और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए हम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अब आपको डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो, द रिएक्टेंट विच इज इन लेजर अमाउंट देन अदर रिएक्टेंट, ये देखिए इस रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेजर अमाउंट में है, ठीक। आगे देखिए, कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन, तो इसके कंपैरिजन में ये हाइड्रोजन जल्दी से क्या हो जाता है? कंज्यूम्ड हो जाता है। एंड लिमिट्स द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट,
तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाती है, फिक्स कर देता है। इसके बाद अब और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इस रिएजेंट को हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो देखिए ये आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ चुका है। अभी भी हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो चलो अब हम इसकी, ये तो आपको पता है कि अनबैलेंस रिएक्शन है, इसमें बैलेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बैलेंसिंग रिएक्शन को देखें थोड़ी देर के लिए, चलिए देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या देखा हमने कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। इसमें देखिए जितने भी हाइड्रोजन थे, 2 2 जब 4, 2 2 जब 4, ऑक्सीजन 2 2 1 जब 2, ये कंप्लीटली यूज में आ चुके हैं। मगर इस ऊपर वाली रिएक्शन को आप देखेंगे तो ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंसिंग रिएक्शन है। इसमें देखिए 2 2 जब 4 ऑक्सीजन है, मगर यहां तो 2 ही है। इसका मतलब इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, बच गई। इसी क्वांटिटी क्या हो गई, लेफ्ट रह गई। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे क्या, एक्सेस रिएक्टेंट। और कंज्यूम्ड कौन हुआ पहले, हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसके स्पेंड होने के बाद अब और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप जो पहला लॉ है उसको पढ़ रहे हैं, और पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए आपके पास एग्जाम्पल, यहां पर मर्क्यूरी ऑक्साइड है HgO, जिसका 100 ग्राम क्वांटिटी है। इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। जब इसको हम हीट करेंगे तो यहां पर मरकरी एंड ऑक्सीजन दोनों ही हमको ऑप्टेंड होंगे। मरकरी हमको ऑप्टेंड होगा 92.6 ग्राम, और यहां पर ऑक्सीजन ऑप्टेंड होगा हमको 7.4 ग्राम। अगर इनका हम सम करते हैं तो कितना आएगा डियर, 100 ग्राम आएगा, ठीक है। तो आपने देखा ये क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मास कितना आया, 100 ग्राम, और इधर रिएक्टेंट का मास कितना था, 100 ग्राम। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ कहता है कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसके जो मास होते हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि अनचेंज रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द कॉन्स्टेंट, आर द सिमिलर, आर द सेम, ठीक है। तो ये जो लॉ था इसको हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको अगर आप देखें, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देन द टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। यानी कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन किसी भी सिस्टम का जो टोटल मास होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, देखिए वो लैंग्वेज क्या आएगी, वो लैंग्वेज ये है, वी कैन से अदर वर्ड, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आर द सेम। यानी क्या बोला इन्होंने, इन्होंने कहा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। ये देखिए यहां पर रिएक्टेंट है, इसका मास 100 है, और यहां जो प्रोडक्ट है इसका मास भी 100 है, ठीक है। रिएक्शन से पहले 100 ग्राम था, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, 100 ग्राम। तो सिंपल लैंग्वेज आप ये कह सकते हो, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर द सेम, आर द सिमिलर, सिंपल। चलिए अब अगर हम चाहें तो इसके एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट है इसका, ये देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर बॉटम पर हम जो सैंड होती है उसको स्प्रेड कर देते हैं, उसको फैला देते हैं, बिछा देते हैं। फिर इसके ऊपर हम फास्फोरस का पीस, यानी P4 जो फास्फोरस मॉलिक्यूल है
उस फास्फोरस के पीस को रख देते हैं। आपको पता है इस फ्लास्क में एयर की प्रेजेंस होगी, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, ऊपर से इसको क्लोज कर देते हैं। अब इस फ्लास्क का टोटल वेट हम कर लेते हैं। अब जब हम इसको धीरे धीरे यहाँ से हीट करते हैं, तो जो फ्लास्क का पीस है वो क्या होगा, धीरे धीरे बर्न होगा। क्यों? क्योंकि आपने नीचे सैंड को रख रखा है। अगर आप सैंड नहीं रखते तो क्या होता, हीट के थ्रू ये फास्फोरस जल्दी से बर्न हो जाता। इसके अंदर P2O5 बन जाने की वजह से बहुत जल्दी से रैपिडली प्रेशर बढ़ जाता और ये ब्लास्ट हो जाता, ठीक है। तो हमने सेफ्टी के लिए क्या किया कि इस फ्लैट बॉटम फ्लास्क में अंदर की तरफ हमने सैंड को बिछा दिया, सैंड को स्प्रेड कर दिया, फिर उसके बाद हमने फास्फोरस के पीस को रखा, ठीक है। एयर इसके अंदर थी, आपको पता है, ठीक है। आपने इसको बंद कर दिया और आपने इसको स्लोली हीट किया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये फास्फोरस का पीस रिएक्ट करेगा, ये देखिए P4 एयर से रिएक्ट करेगा हीट करने पर, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का स्मोक बनाएगा, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो हम इसको कूल कर लेंगे। आपको पता है बिफोर द रिएक्शन हमने इसका पूरा वेट कर लिया था, आफ्टर द रिएक्शन कूल करने के बाद हम इसका फिर से वेट करेंगे, तो आप देखेंगे इसका वेट वही आएगा जो कि हमने पहले मेजर किया था, ठीक डियर। तो ये था एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अगर हम चाहें तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है इसमें ये, इसको हम लोग बोलते हैं ये एच ग्लास ट्यूब, जिसको हम लोग लैंडोल्ट ट्यूब भी बोलते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट। तो इस लैंडोल्ट्स ट्यूब, जो कि एच ग्लास ट्यूब होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्स। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने NaCl सॉल्यूशन को भर दिया, फिर हमने यहाँ पर AgNO3 सॉल्यूशन को भर दिया, ठीक है। और फिर इनको क्या किया, हिलाया इस तरह से, ठीक है, और इनको रिएक्ट करा दिया। तो रिएक्ट करने पर क्या हुआ, ये देखिए AgNO3 NaCl से रिएक्शन करेगा और ये AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा और साथ में NaNO3 भी बनेगा, ठीक है। फिर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इस पूरे एपरेटस को हम कूल कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि बिफोर द रिएक्शन हम क्या करते हैं, इसमें सब्सटेंस को फिलअप कर देते हैं NaCl एंड AgNO3 को, और क्लोज करने के बाद बिफोर द रिएक्शन इसका वेट ले लेते हैं। और जब इसकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो इसकी इसी एपरेटस को हम कूल करते हैं और फिर से हम इसका वेट लेते हैं। तो आप देखेंगे कि बिफोर द रिएक्शन जो मास था, वेट था, आफ्टर द रिएक्शन भी वही मास और वेट आएगा, जो कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है ना। ये एक्सपेरिमेंट भी, ये जो आपको एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंट भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रहा है, और ये लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सपेक्ट करता है। चलिए, इस समय हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये क्या होता है, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कंबाइंड टूगेदर इन देयर फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्सेस। एक बार फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर इन द फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्सेस। देखिए डियर, इसका मीन ये होता है कि आप किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, उसको प्यूरीफाई करने के बाद उसमें जो एलिमेंट का जो रेशियो होता है वेट के अकॉर्डिंग, वो हमेशा फिक्स्ड प्रपोर्शन में होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। देखिए, एग्जाम्पल से हम बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। आप जानते हैं कि हम वाटर मॉलिक्यूल को, यानी कि वाटर सैंपल को, हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, जैसे रिवर, वाटर वेल, बोरिंग, ड्रेन, ओशन, किसी से भी ऑप्टेट करते हैं, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को प्योर करने के बाद इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का
रेशो होता है वेट के हिसाब से वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि 1:8 होता है। कैसे? देखिए, ये H2O है वाटर, इसको हम कहते हैं, इसे एक्वा भी कहते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का वेट आपको पता है कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का वेट पता है आपको कितना होता है, 16, 2:16 आ चुका है। अब 2 से आप डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। तो 1:8 ये आ चुका है। इसका मतलब ये निकलता है कि वाटर मॉलिक्यूल को हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, किसी भी अदर कंट्री से ऑब्टेन करें, ठीक है, तो उसको प्योर करने के बाद उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को हम समझते हैं, इसके पहले आपको मैं बताऊं, देखिए ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या होता है, देखिए इसकी लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर। इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट हैं। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराते हैं तो ये 5 ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए, ये 5 ऑक्साइड है, पहला N2O, सेकेंड है NO, फिर है N2O3, फिर फोर्थ N2O4 और फिफ्थ है N2O5। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर आप वेट के हिसाब से इसका रेशियो देखें N2 और O को, तो आपको पता है N का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, N2 है तो 14 × 2 = 28 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16, तो आपने इनको वेट के हिसाब से लिख दिया, इसको भी आपने वेट के हिसाब से लिख दिया, N2O3 को भी आपने वेट के हिसाब से लिख दिया, इसको भी वेट के हिसाब से लिख दिया, इसको भी वेट के हिसाब से लिख दिया। अब इन्होंने क्या कहा है, इस लॉ में ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका मास हमको फिक्स करना होता है। तो इसमें हमने नाइट्रोजन का मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये देखिए, हमने हर जगह क्या लिया, 14, ये देखिए 28 और 16 है, 2 से डिवाइड कर दिया तो 14 और 8 आ गया, या 14 और 16 तो है ही, फिर हमने 28 है 14 करना है, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। अब आप यहाँ ये देखिए कि नाइट्रोजन का यहाँ पर जो मास है वो फिक्स है, ये देखिए क्या है हर जगह पर, ये देखिए 14 14 14 14 14, और ऑक्सीजन का जो मास है वो डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 16 है, या 24 है, या 32 है, और यहाँ पर 40 है। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कैसे, सुनो। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्म टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो टू एंड मोर देन टू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस कंपाउंड में क्या होता है कि जो एक एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, उसका वेट क्या होता है, फिक्स होता है, ये देखिए, और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, जिसका कि वेट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो एक सिंपल रेशियो में होता है। ये देखिए, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32, 8 5 = 40। तो आपने देखा ये सिंपल रेशियो में, देखिए 1 2 3 4 एंड देट इज अ 5। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एक बार फिर से देखिए, मैं बता दूं आपको, देखो ये नाइट्रोजन का मास है जो फिक्स है, और ये ऑक्सीजन का मास है जो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो क्या होता है यहाँ पर कि ऑक्सीजन जिसका मास डिफरेंट डिफरेंट है वो एक सिंपल रेशियो में, देखो 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32, 8 5 = 40, ये सिंपल रेशियो में होता है। ठीक है, तो ये लॉ आपको समझ में आ चुका है, सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, देखिए कोई दो एलिमेंट
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर टू एंड मोर देन टू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस कंपाउंड में क्या होता है कि एक एलिमेंट यानी कि नाइट्रोजन उसका वेट जो होता है फिक्स होता है, और दूसरा एलिमेंट जिसका कि वेट क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो एक सिंपल रेशो में होगा। इसी को क्या कहेंगे हम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए डियर, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यानी कि फोर्थ लॉ है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं गेलुसॉक लॉ। ये देखिए, ये हमारे पास है, देखिए गेलुसॉक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। अब ये गेलुसॉक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या होता है, तो देखिए यहां पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी गैस में आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये तीनों चीजें होती हैं, वो जो भी आपको दिखाई नहीं देती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट। अब जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं गेलुसॉक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम में, तो नेचुरली वॉल्यूम की बात करेगा, तो यहां पर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए जरा, हम कहेंगे इसको आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, क्योंकि हम इसमें टेम्परेचर प्रेशर को क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट करेंगे। ठीक है, तभी हम ये लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम की बात कर पाएंगे। अब देखिए ये लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम यानी कि गेलुसॉक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम ये होता क्या है, तो पहले आप जरा इस बात को देखें, यहां पर ये H2 गैस इसका वन वॉल्यूम है, यहां Cl2 गैस इसका भी वन वॉल्यूम है। ठीक है, और फिर ये दोनों कंबाइन होकर 2HCl बनाते हैं, तो यहां इसका टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, आपको पता है H2 यहां पर रिएक्टेंट है, Cl2 भी रिएक्टेंट है, और HCl यहां पर क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये लॉ क्या बोलता है, यानी गेलुसॉक लॉ क्या होता है, इन्होंने ये कहा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर गैसेस स्टेट में है, ठीक, तो ये एक सिंपल रेशो में होती है, और रिएक्शन करके अगर प्रोडक्ट बनाती है, और वो प्रोडक्ट भी अगर गैसेस स्टेट में है, तो रिएक्टेंट के साथ साथ जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक सिंपल रेशो में होगा। ये देखिए वन, ये देखिए वन, और ये देखिए टू, यानी वन इज टू वन इज टू टू। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर गैसेस स्टेट में है तो ये एक सिंपल रेशो में होती है, और रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, और प्रोडक्ट भी अगर गैसेस स्टेट में है तो प्रोडक्ट भी अब एक सिंपल रेशो में होगा इस रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, ये देखिए वन, ये भी वन, एंड दैट इज अ टू। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। यहां देखिए अगला एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस यहां पर इसका वन वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का यहां पर थ्री वॉल्यूम है। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इसका रेशियो है वन, इसका रेशियो है थ्री। अब ये दोनों कंबाइन होकर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी गैस है, तो इसका वॉल्यूम आपको पता है टू, यानी इसका रेशियो क्या है यहां पर, टू है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर गैसेस स्टेट में है तो ये एक सिंपल रेशो में होती है, देखो वन एंड थ्री, और सिंपल रेशो में रहकर ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, और प्रोडक्ट भी अगर मान लो गैसेस स्टेट में है तो रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक सिंपल रेशो में होता है। ये देखिए वन थ्री एंड दैट इज अ टू, तो वन इज टू थ्री इज टू टू, ये क्या हो गया, एक सिंपल रेशियो हो गया। ठीक, तो आई होप डियर आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।